हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा शर्मा वशिष्ठ और मैं वेलकम करती हूं आप सभी का मेरे चैनल म्यूजिकोफाइल एली पर। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वक्त से मैं यूज कर रही हूं एक कंडेंसर माइक्रोफोन जो कि प्रोफेशनल स्टूडियो माइक्रोफोन फोन BM-800 और इसके बॉक्स के अंदर हमको मिलता है एक खूबसूरत सा BM-800 कंडेंसर माइक, एक कॉर्ड, एक शॉक माउंट और साथ में एक फिल्टर। मैं यूज कर रही हूं एक सिंपल सा पावर सप्लाई क्योंकि फैंटम पावर सप्लाई बहुत महंगा है, बट एक बेहतर वर्जन में जल्द ही यूज़ करने के बारे में सोचूंगी। और इसके साथ मैंने मंगाया है एक माइक स्टैंड जो कि बहुत ज़रूरी होता है माइक को, तो लेट्स चेक इट आउट। तो एक एक करके मैं इसको अनबॉक्स करूंगी। इस माइक स्टैंड के साथ मैंने मंगाया है एक पॉप फिल्टर भी क्योंकि वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, तो अब फाइनली हम चेक कर सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। ये है राइट प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन स्टैंड WR35 और ये है WP101 पॉप फिल्टर, ये भी राइट कंपनी का ही है। ये अमेजोन पर दोनों एक ही साथ मिल रहे थे, आप चाहें तो अलग अलग भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं, बट मुझे ये एक साथ मिल रहे थे तो मैंने इन्हें एक साथ ऑर्डर किया है और मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिला है। तो इसके अंदर है ये माइक स्टैंड जो कि काफ़ी बेहतर क्वालिटी का है। ये मेटल का है, ब्लैक कलर में है, मैट फिनिशिंग है, स्प्रिंग लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है। इनबिल्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ मिला है हमको ये एक सिंपल से माइक शॉक माउंट। अगली चीज़ है ये आपके मेन स्टैंड को सपोर्ट करने के लिए जो कि अच्छी हैवी क्वालिटी में है। उसके साथ अब बारी है पॉप फिल्टर को खोलने की। पॉप फिल्टर का बेसिकली काम आपकी वॉइस को फिल्टर करना होता है, यानी कि इधर उधर की चीज़ों को छान कर यह प्योर आपकी आवाज़ देता है। एंड जस्ट लुक एट द क्वालिटी विच इज़ परफेक्ट एंड फाइन। इस पे राइट का लोगो भी बना हुआ है। ये फ्लेक्सिबल रॉड है इसकी, जिसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका माइक सेटअप काफ़ी आसान है। इस वाले स्टैंड को हम एक टेबल पर लगाएंगे, यानी टेबल बीच में होगी और इस नट की हेल्प से हम इसको टाइट करेंगे। अब उसके बाद हमें लेना है हमारा मेन स्टैंड। छोटा स्टैंड सेट करने के बाद हम मेन स्टैंड को लगाएंगे और ये जो छोटा नट मैंने अभी आपको दिखाया था, इसकी हेल्प से हम इसको टाइट कर लेंगे। एक छोटा सा होल है तो जब हम स्टैंड उसमें इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद इस नट की हेल्प से उस होल में नट को फिक्स करके और हम टाइट कर लेंगे। मेक श्योर ये अच्छे से टाइट हो, अदरवाइज स्टैंड आपका हिलने लगेगा। अब बारी है शॉक माउंट लगाने की। तो ये वो शॉक माउंट है जो सेट के साथ आया था, जो कि इजीली इसमें लग जाएगा, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं BM-800 और इसका जो शॉक माउंट है उसमें स्पेस आप देखेंगे तो थोड़ा बड़ा है, ऐसे में ये नहीं आएगा। इस शॉक माउंट में से हम ये छोटा सा नट बाहर निकाल लेंगे और यही हमें हेल्प करेगा हमारे BM-800 के शॉक माउंट को एडजस्ट करने में। तो वो जो स्पेस है उसमें इस नट को हम फिक्स कर लेंगे। तो ये हम इस तरीके से फिक्स कर लेंगे और मेक श्योर ये टाइट हो अच्छे से। उसके बाद इसको उस स्टैंड में लगाएंगे, मेक श्योर ये भी अच्छे से टाइट हो, अदरवाइज आपका जो माइक है वो हिलना शुरू कर देगा। ये जो चीज़ हिल रही है इसको भी आप अपनी मर्जी की पोजिशन देकर इस नट से टाइटली फिक्स कर सकते हैं। अब बारी है माइक सेट करने की और नीचे उसके वायर सेट करने की। तो फिल्टर को भी आप इसी तरीके से नट की हेल्प से अपनी पोजीशन के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो गाइस, ये था मेरा सेटअप जो मैंने यहाँ पे अपने बेड पर फिक्स किया है। एक्चुअली मेरे पास टेबल नहीं है, वो वुडन टेबल या इस तरीके की जिसमें मैं इजीली लगा सकती। तो मेरे पास इकलौती जगह सिर्फ ये बेड की साइड थी जहाँ पे मैंने इस माइक को सेट किया है। तो सेटअप करने के बाद माइक स्टैंड, फिल्टर, ये सब कुछ इस तरीके से लगेगा और ये एक्चुअल में मेरा रिकॉर्डिंग सेटअप ही है जो मैं अभी तक यूज़ करती आई हूँ और अब माइक स्टैंड के साथ यूज़ करूँगी। सो एज़ यू कैन सी, इसके साइड में मैंने बेड में इस तरीके से अपने माइक को एडजस्ट किया है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यू कैन फाइंड द राइट प्लेस टू फिक्स द माइक स्टैंड। एंड गाइस, दैट वाज ऑल इन माय वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं
माइक इस तरीके का छोटा सा स्टूडियो सेटअप करने में, तो शायद आपको हेल्प मिली हो ये जानने में कि माइक सेटअप और स्टैंड सेटअप एंड ऑल दैट ये किस तरीके से होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ भी पसंद आया इस वीडियो में, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं। इफ़ यू हैव नॉट चेक आउट माई अदर वीडियो प्लीज़ डू, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लविंग वंस एंड लिव योर लाइफ म्यूजिकली।